डांस इंडिया डांस के ऑडिशन में निकली थी प्रकृति, और तो ये ना बहुत अच्छा डांस भी करती है और डांस इंडिया डांस में गई थी, तो हम लोग को ना काफी खुशी भी हुई जब हमने इनको टीवी में देखा, तो आज ये यहाँ पे भी मिल गए हमको। तो नई स्कूटी में कैसा लग रहा है मैडम? जा रहा है। कितने की पड़ी? मेरा ना बहुत पहले से मन था कि एक्टिवा स्कूटी लियो और मैंने ले लिया, आज देखो। तो कितने की पड़ी ये बैठी मुझे? सुप्रभात दोस्तों, एक नए दिन के नए सवेरे के साथ मैं पूजा रावत फिर से आई हूँ आप सभी लोग के लिए एक नया ब्लॉग लेके। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हो रहा है 10:30 बजे से स्टार्ट, और अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, जाते ही नीचे रोज की तरह नाश्ता करते हैं पहले, तो फटाफट नाश्ता वगैरह करते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो मेरा ना नाश्ता भी हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ अपनी गाय को देखने के लिए, क्योंकि हमारी ना गाय की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है उसको, अच्छा हो गया है लेकिन फिर भी गाय को ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो अभी है ना हम लोगों ने डॉक्टर बुलाया है दोबारा, और अभी बैठ जाती तो शायद थोड़ा सा आराम मिलता, लेकिन बैठ नहीं रही है ना, खड़ी ही है, तो अभी डॉक्टर को बुलाया है, बस आने वाले ही हैं डॉक्टर अंकल। हम लोग देखो इतने सारे पत्ते लेके आए गोभी के, ते मस्त वाले, और यहाँ पे हम लोगों ने अपने सूरज को बांध रखा है। सूरज चिलंज कग ले हो, धूप छेक रहे हो, धूप छेक रहे हो, तो इसको ना हमने यहाँ पे बांध रखा है। और कल ना जो हम लोगों ने जैसे जब डॉक्टर की मदद से हम लोगों ने इसको खींचा, तो इसके पाँव में ना रस्सी बांधी थी, तो इसके ना आगे के पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है अभी भी, शायद लचक लचक के ही चल रही है, और यहाँ पे बैठी धूप सेक रहा है ये। और ये है जो हमारी गाय जो कल भी आई हुई है, तो इसको ना अभी भी बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो रहा है, बैठ भी नहीं रही है और खड़े ही है जब से कल से। तो ना मेरा नाश्ता हो गया है, लेकिन मैं एक चक्कर जा रही हूँ ऊंचा पुल, मैंने ना थ्रेडिंग वगैरह बनानी है, उसके बाद हमने दिन में ना शादी में जाना है, तो आप लोगों को भी हल्द्वानी की महिला संगीत दिखाएंगे हम, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आज का क्या होता है मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं जाती हूँ ऊंचा पुल और मिलते हैं आपको वहीं जाके। तो दोस्तों अभी आए हुए थे गाय के डॉक्टर, और उन्होंने गाय को चेक वक करा और दवाई वगैरह दे के गए हैं, तो बड़ी परेशानी हुई गाय के लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, मतलब इस ये वाली गाय का ऐसा पहली बार हुआ है हमारा जो ऐसा हुआ उसके साथ, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था उसको, काफ़ी ना दर्द भी हो रहा था, और हम लोग तो चलो बोल देते लेकिन गाय बेजुबान होती है तो वो। तो यहाँ पे ना चूल्हा जला के मम्मी ने देखो इसमें गर्म पानी रखा है, वो बोले थे ना गाय को नहलाना मत, खाली गर्म पानी से पोंछ देना, तो यहाँ पे हमारी गाय को हमने धूप में बांध रखा है। तो मैं भी खाने की तैयारी करती हूँ, दाल मम्मी ने सुबह बना दी और चावल बनाने रह गए हैं, चावल वगैरह बनाते फिर बच्चों को लाऊँगी। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बच्चों को लेके, और बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, हमारा खाना भी लग चुका है, दाल और भात, तो खाना वगैरह खा लेते हैं, और बच्चों का तो पेट भरा हुआ है क्योंकि स्कूल में पता नहीं किसी का बर्थडे होगा बच्चे का, तो ये लोग केक वगैरह सब खा के आए हैं। दोस्तों आज हमारी जिठानी जी लाई है नई स्कूटी, तो ये देखो आज हमारी जिठानी जी नई स्कूटी लेके आई है, पधारिए। तो हमारे घर में एक नया वाहन जुड़ा है दोस्तों, और उसके लिए आप सभी लोगों को शुक्रिया जो आप हमको बधाई देंगे, तो भाई जिठानी जी ने नई स्कूटी लेके आई है, बधाई हो। तो नई स्कूटी में कैसा लग रहा है मैडम? जा रहा है। कितने की पड़ी? मेरा ना बहुत पहले से मन था कि एक्टिवा स्कूटी लियो और मैंने ले लिया, आज देखो। तो कितने की पड़ी ये बैठी मुझे? 96,000 की। 96 ऐसे से सब लगा के, हम सब लोगों की तरफ से इनको एक बार बहुत 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 ज्यादा बधाई। तो दोस्तों अभी आपने देखा था ना कि हमारी जिठानी जी स्कूटी लेके आई है, तो ये ना स्कूटी लाने वाली थी, इन्होंने बोला भी था क्या पता मैं आज भी ला सकती हूँ, क्या पता कल भी ला सकती हूँ, तो हमने सोचा क्या पता आज स्कूटी लेके आ रही है, और इन्होंने ना हमारे साथ इतना बड़ा प्रैंक कर दिया। तो ये स्कूटी इनकी नहीं थी दोस्तों, ये इनके भैया की थी, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो और इनको नहीं हो, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला और हमारे साथ प्रैंक किया और हमको ना बेवकूफ बनाया, और हमसे बोल रही है मैं आज स्कूटी लेने मैं स्कूटी लेके आऊंगी, और सारा प्लान था सुबह के टाइम पे स्कूटी लाने का भी था, लेकिन वो स्कूटी इनकी नहीं थी, वो इनकी स्कूटी इनके भैया की थी। अभी हम लोगों ने जाना है महिला संगीत में, और हम लोग तैयार वगैरह होते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं महिला संगीत में, तो हम लोग रेडी हो गए महिला संगीत में जा रहे हैं, और हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी तैयार हो गए देखो, और सोए नहीं है ना ही घर का खाना खाया है, सीधा महिला संगीत में ही खाएंगे, तो हम लोग भी जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं हल्द्वानी की महिला संगीत। तो हम लोग अपनी अपनी स्कूटी में जा रहे हैं, मैं अपनी स्कूटी में जाऊंगी, दीदी अपनी स्कूटी में जाएगी, बच्चे भी है ना साथ में, तो हमारे सारे बच्चे रेडी हो चुके हैं देखो ये। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी महिला संगीत स्टार्ट नहीं हो रही है, और देखो हम बन ठन के पहुँच गए यहाँ।
तो महिला संगीत निपटने के बाद और हम लोग अब फास्ट फूड खाने लग गए। देखो तो यहाँ पे ना हमें भी हमारे सब्सक्राइबर मिले और कैसे लगता है आपको ब्लॉग मेरे? थैंक यू। देखो शादी बना फिर से हमको फिर हमारे सब्सक्राइबर मिले। देखो ये हमारी भाभी जो हमारे ब्लॉग वगैरह देखती है, ये हमारी प्यारी देरानी है। थैंक यू। और इनके ब्लॉग हम जरूर देखते हैं और आप लोगों को भी देखना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं पार्टी से बाहर और अभी हमें दूसरे बैंक्वेट हॉल में जाना है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ हम शाम को जाएंगे। तो अभी हम लोग घर जाते हैं, तो आपको घर जाके मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं घर पे और घर पे आके ना हम लोगों ने चेंज वगैरह भी कर लिया है। तो अभी आप लोगों ने देखा हम लोग गए थे महिला संगीत में और वहाँ ना बहुत ज़्यादा साउंड भी हो रहा था, तो मैंने हल्की फुल्की वीडियो बनाई है। और अभी बच्चे अपना होमवर्क वगैरह करने लग गए हैं क्योंकि उनको शाम को फिर से जाना है, तो बोल रहे शाम को फिर जाएंगे। तो अभी रावत जी भी घर पहुँच गए हैं और उनके लिए मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म चाय। दोस्तों हमारी चाय बन गई है और हम लोग ना चाय पी रहे हैं। हमारे चाय पीने के साथ साथ इसको भी भूख लग गई है, तो मैंने इसको एक ट्रीट दी है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं किचन में और ना मम्मी पापा बोल रहे थे हम लोग के लिए सब्जी मत बना, हम लोग के लिए चटनी बना दे। तो मैंने उनके लिए चटनी बना दी, देखो टमाटर की। और यहाँ पे ना सुबह की सब्जी का भी हो चुका है जुगाड़, तो सुबह हमारे बनेंगे मेथी के पराठे जो कि मैं इसको धो के पकाने रख देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी बन रही है भितड़ी, तो भैया के लिए बन रही है क्योंकि भैया ना शादी में नहीं आ रहे हैं और भैया बोल रहे थे ना मेरे लिए भितड़ी बना दो हल्की हल्की सी, तो यहाँ पे भितड़ी चढ़ा रखी हमने उनके लिए। अरे वाह, आ तो देवर जी भाई दे, भाभी को पैसे दे रहे हैं। किस खुशी में किस खुशी में दे रहे हैं ये? काय के है किस्ते के इस महीने के? गंदे यार। तो मैं जा रही हूँ दुकान और बाहर ना मौसम हो रहा है इतना अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा हो रहा है और हवा भी चल रही है और मम्मी ने मुझे दुकान भेज दिया शादी में जाने से पहले, इतना तो मैं से बोल रहे हैं नारियल का तेल लेके आवल। अब मैं दुकान जाती हूँ और गोले का तेल लेके आती हूँ। अंकल जी गोले का तेल दे दो। अंकल जी लो, और ये रहा नारियल का तेल। तो दोस्तों मैं ले आई हूँ तेल, ये है नारियल का तेल और इसमें ना मम्मी ने मुझे दिए थे 40 रुपए, तो उसमें 20 रुपए बच गए और 20 रुपए का तेल आ गया। तो मैं 20 रुपए ना अपने पास रख लूँगी, मम्मी को नहीं देती हूँ। दुकान जाने में मैं दो पैरों से गई, तो दो पैर, एक पैर मेरा 10 रुपए का, एक पैर 10 रुपए का, यानी कि 20 रुपए हो गए। भैया का ये प्लान बन रहा है ना, या तो भैया लोग शादी करेंगे दोबारा या हम लोगों से बोल रहे कि तुम लोग शादी करो। तो हम लोग अगर शादी करेंगे तो सोचो, इमेजिन करो अगर हमारा फेरा होंगे, मेरे और राहुल जी का फेरा होंगे, मेरे हमारे बच्चे पापा मम्मी पापा और तुम्हारी अगर तुम्हारे फेरा होंगे, ईशु कहेगा अब तो तुम गए, अब तो तुम गए, अब तो तुम गए, फोन दो पहले, फोन दो पहले, तब फेरे करो, पहले फोन दो। दोस्तों यहाँ पे ना सब लोग बैठे और मजाक चल रही है, दोबारा शादी करने का प्लान हो रहा है। देखो मम्मी पापा सब लोग बैठे हैं, ये मम्मी और पापा की करा दे दोबारा शादी। हाँ बना दे के आएंगे ना, अम्मा अंदर से आएगी, पापा कहेंगे वो नतिन्नी तो जानकी के लिजहा है ना वो जमे लिजा 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 शिवो एक टेंशन देन दिया, ये बहुत टेंशन में रहे। तो यहाँ पे ना प्लान बन रहा है भैया और हमारी शादी का। तो भैया अगर तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारे ससुर जी क्या कहेंगे, तुम्हारे पापा क्या कहेंगे? जा तो रोल पा रहे, जा उठा जा। मेरे पापा भी तो कहेंगे ए बार जो है दोहर बार बात करना जरूरत है, शुद्ध जाए अपनी निकल जा पहले का पैर दी रही उनको आविष्कार पहली। हम लोग हो चुके हैं रेडी फिर से शादी में जाने के लिए। तो दिन में हम लोग महिला संगीत में गए थे और अभी शादी है और एक जगह पार्टी भी है, तो एक ही दिन ना दो दो तीन दिन निमंत्रण है दोस्तों, और इसी वजह से हम लोग भी जा रहे हैं। और हम लोगों ने टीका भी दिन में नहीं लगाया था, तो अभी दीदी के पास है लिफाफे भी लगाने हैं। तो हम लोग जा रहे हैं और मौसम भी खराब हो रहा है, हवा चल रही है, तो मिलते हैं वहीं आपको। तो आप लोग भी चलिए। हम लोग ना एक पार्टी में तो पहुंच गए हैं जो कि है शिवप्रिया, और अभी हमें दूसरी पार्टी में जाना है वो है नीचे। तो पहले हम इस पार्टी में जाएंगे फिर उस पार्टी में जाएंगे।
हम एक पार्टी में आए हुए थे, यहाँ पे ना हमको दीदी मिली है जो हमारी वीडियो देखती है, और यहाँ पे दादा भी मिले हैं हमको जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, और दादा लोग खाना खा रहे हैं। तो हम लोग ना नीचे वाली पार्टी में जाते हैं, तो आपको सीधा हर्षिता गार्डन में मिलते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं दूसरी पार्टी में, और हम पहाड़ियों का ना रिवाज होता है कि हर पार्टी में हर निमंत्रण मानना पड़ता है, तो हम लोग भी ना दूसरा निमंत्रण मानने के लिए आ चुके हैं। तो अभी हम आपको यहाँ के कुछ शॉर्ट्स दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे घर को। तो तब तक आप लोग भी अपने लिए खाना, ये रही दीदी की प्लेट, ये रही मेरी, और हम पहले लेंगे सबसे पहले सलाद। तो दोस्तों हम लोग खाना लगा के ले आए अपने लिए, खाने में है रोटी, रायता, सब्जी, अचार। तो गाइस खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। तो गाइस खाना खाते खाते ना देखो दो छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, और ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे दादा के बच्चे भी हैं, तो ये लोग भी ना मेरी वीडियो देखते हैं और मेरे को देखा तो यहाँ पे आ गए मुझसे मिलने के लिए। तो गाइस जो मेरे ये सब्सक्राइबर है ना, इनका नाम है प्रकृति। तो ये ना डांस इंडिया डांस के ऑडिशन में निकली थी प्रकृति, और तो ये ना बहुत अच्छा डांस भी करती है, और डांस इंडिया डांस में गई थी, तो हम लोग को ना काफ़ी खुशी भी हुई जब हमने इनको टीवी में देखा। तो आज ये यहाँ पे भी मिल गए हमको, और मेरे से बोल रहे मैं आपकी वीडियो भी देखती हूँ। दोनों ना सिस्टर हैं, ये बड़े दादा की बेटी है और ये छोटे दादा की बेटी है। तो हमारा हो चुका है खाना, और हम लोग अब खा रहे हैं स्वीट डिश यानी कि रसगुल्ला। रसगुल्ला खाते हैं, उसके बाद एक एक कॉफी पीते हैं, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं पूजा रावत मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।